अस्सलाम वालेकुम, नई वीडियो स्टोरी में खुश आमदीद। और आज मैं जा रहा हूँ कबद फॉर्म हाउसेस, वहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी की एक कल्चरल नाइट है। और ये जितने भी लोग आज जिनसे मैं मिलने के लिए जा रहा हूँ, ये सारे मेरे लिए न्यू फ्रेंड्स इन कुवैत होंगे। और आपको भी दिखाते हैं कि इस कल्चरल नाइट में क्या कुछ होने वाला है। चलो फिर चलते हैं कबद फॉर्म हाउसेस। हमारे साथ शफाकत भाई हैं, शफाकत अली इनका नाम है। और ये यहाँ पे एक दिहाई से ज़्यादा अरसा हो गया है, कुवैत में मुकीम हैं। शफाकत भाई, वेलकम और थैंक यू कि आपने हमें ये राइड फ्राम की। ये जिधर हम जा रहे हैं, थोड़ा उस हवाले से बताइएगा कि ये कितना एक दूर है एरिया। ये तकरीबन सर, ये तकरीबन 35 मिनट का रास्ता है। अच्छा। 35-40 मिनट का, तो इंशाल्लाह काफ़ी अच्छी लोकेशन है। उस तरफ सहरा है और बहुत ज़बरदस्त एरिया है, तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा। अभी हम रोड साइड पे थोड़ी देर के लिए रुके हैं ताकि कोई थोड़ी बहुत रिफ्रेशमेंट कर लें। ये शहर से बिल्कुल आउट एक एरिया है, यहाँ पे डेजर्ट भी है और आपको मुख्तलिफ ग्रिड स्टेशंस और बाकी भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ये रोड साइड पे गाड़ियों में इन्होंने हट्स बनाए हुए हैं जिससे आपको रिफ्रेशमेंट का सामान भी मिल जाता है। फाइनली जी, हम तकरीबन 40 मिनट की ड्राइव के बाद अब कबद फार्म पहुंच चुके हैं। अली भाई, कैसा रहा फिर रास्ते का सफर? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा रहा सफर। आप तो पहले भी एक्सप्लोर करते रहते हैं। बिल्कुल, तो मेरे लिए ये नया था और अली भाई के लिए फर्स्ट टाइम है। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट टाइम भी आएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी। और रास्ते का जो एक गाइडेंस होती है वो अली भाई फ्राम करते रहे, और बड़ा अच्छा लगा। अभी हम पहुंच गए यहाँ पे, देखते हैं कि इस इवेंट को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया हुआ है पाकिस्तानी कम्युनिटी ने, और यहाँ पे कोई कल्चरल परफॉर्मेंसेस भी होती हैं तो वो भी आपको दिखाते हैं। जी, तो यहाँ पे प्रोग्राम का आगाज हो चुका है और बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले खवातीनों हजरात यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त स्टेज पर एक कल्चरल परफॉर्मेंस चल रही है जो कि कबर पत्थर से आए कुछ फनकार पेश कर रहे हैं। बाकी एक पाकिस्तानी माहौल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और ये जो फार्म हाउस है ये भी खासा खूबसूरत है। एक छोटा सा तालाब है यहाँ पे, सॉरी स्विमिंग पूल है यहाँ पे, तालाब लोकल लैंग्वेज में मैंने कह दिया। बच्चों के लिए झूले वगैरह का भी इंतजाम किया गया है और मैनेजमेंट जो है उनकी तरफ से यहाँ पे काफी सारे यहाँ पे स्काउट्स या रजाकार आप कह लें जो सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम को यहाँ पे देख रहे हैं। इस कार्यक्रम में फूड स्टॉल्स लगाए गए हैं जिसमें पाकिस्तानी खाने रखे गए हैं, बिरयानी भी दस्तियाब है, दही भल्ले भी हैं और साथ में गुलगप्पे भी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी तादाद में लोग पाकिस्तानी खानों से लुत्फ़अंदोज हो रहे हैं। इसके अलावा ब्यूटी आइटम्स भी यहाँ पे रखे गए हैं और ज्वेलरी भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। तकरीबन 11 बजने वाले हैं रात के और हम कबद से वापस सालमिया के रास्ते पे हैं। अली भाई भी मेरे साथ हैं। अली भाई से पहले मैं लास्ट कमेंट लेना चाहूंगा कि इनको इवेंट कैसा लगा। वैसे मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस यही है, ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मैं अपने क्लोजिंग रिमार्क्स बाद में दूंगा, पहले आप बताएं कि आपको ये पाकिस्तान इवेंट कैसा लगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, काफी अच्छा था, बहुत अच्छा अरेंज किया था उन्होंने और काफ़ी अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। फैमिली आई थी बहुत ज़्यादा, बहुत गैदरिंग थी, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे सर। तो इवेंट वाकई अच्छा था। यहाँ पे कम्युनिटी का जो एक मैंने जज्बा देखा है इवेंट में पार्टिसिपेशन का, वो काफ़ी ज़्यादा था। लोग चाहते हैं कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के इवेंट्स हों ताकि वो अपनी फैमिलीज के साथ इंजॉय कर सकें। लेकिन आज शायद थोड़ा सा इनविटेशन ज़्यादा लोगों को था,
उस हिसाब से जगह का अरेंजमेंट नहीं था, थोड़ा सा रश हो गया था, लेकिन फिर भी जो इंतज़ामिया थी वो अच्छा मैनेज किया है उन्होंने, अच्छा प्रोग्राम को ले कर चलें। और वहाँ पे जो कुछ लोग सिटिंग में बैठ गए, कुछ लोग खाने पीने के स्टॉल्स वाली साइड पे रह गए, बाकी जो स्पॉन्सर्स के स्टॉल से कुछ वहाँ पे मगन रहे, लेकिन ओवरऑल एक कम्युनिटी गैदरिंग के हवाले से अच्छा इवेंट था। बाकी लोकल जितने भी सिंगर रहे थे या फनकार थे, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंसेस पेश की। आप उसको उस तरह से तो नहीं कह सकते कि जैसे ए कैटेगरी के इवेंट्स होते हैं, लेकिन लोकल सतह पर रह के इस तरह के इवेंट्स कम्युनिटी के लिए करना, ये एक पाकिस्तान कल्चरल सोसाइटी जो है कुवैत में, उसकी एक अच्छी काविश है। और वक्त के साथ साथ चीज़ें मज़ीद बेहतर हो सकती हैं और होनी भी चाहिए, इंसान अपने एक्सपीरियंसेस से सीखता है। आज का इवेंट काफ़ी अच्छा था, तो इंशाल्लाह मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए और कुवैत में पाकिस्तानी कम्युनिटी के हवाले से, टूरिज़म के पॉइंट के हवाले से जानने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लिया करें, कुछ नहीं होता। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।